ये डिसीशन ठीक है। इसका मतलब है कि RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो हमारे हाई कमिश्नर को इंटरोगेट करना चाहता है। मेरा होप है, मेरा प्रार्थना है कि दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये डिसीशन ठीक है क्योंकि कनाडा ने हमको कहा है कि हमारा हाई कमिश्नर और दूसरे कुछ डिप्लोमेट्स भी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और निज्जर किलिंग के बारे में। इसका मतलब है कि RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो हमारे हाई कमिश्नर को इंटरोगेट करना चाहता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने ये निश्चय लिया उनको रिकॉल करने के लिए। लेकिन वो कनाडा ने कहा है कि हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स भी, उसका मतलब है कि हाई कमिश्नर के बिना दूसरे डिप्लोमेट्स को भी इंटरोगेट करना वो चाहते हैं, है ना। हम उनको वापस रिकॉल किया नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा होप है, मेरा प्रार्थना है कि दोनों गवर्नमेंट इस बारे में सोच के बाद डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सोचता नहीं हूँ कि वो करेगा। जो कुछ सिग्नल्स हमको अभी मिलते हैं कि ये और एस्केलेशन होगा, और जब तक जस्टिन ट्रूडो उधर प्राइम मिनिस्टर है ठीक होगा नहीं है। और कनाडा में इलेक्शन आने वाला साल में है, 2025 ऑटम में है। बेचक एडवांस कर सकता है और जस्टिन ट्रूडो का पॉपुलैरिटी ऊपर जाता नहीं है, नीचे जा रही है, है ना। इकोनॉमी भी बहुत डिफिकल्टीज है। तो बेचक नेक्स्ट इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो जीतेगा नहीं, तो नया गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हमारा रिलेशंस थोड़ा बेटर होगा। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि हम उतना तक मत वेट करना है। अभी बहुत एस्केलेशन हुआ है, कोशिश करना है वो नीचे। लेकिन मैं कुछ सिग्नल देखते नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।